अब सुनिए, मैं अब किनारा हूं, आप देखते दर्शन करते जाना। बसंती है दीपक, दीपक ही बसंती नहीं, उसकी ज्योत को देखो। बसंती है दीपक तो ज्योति बसंती, बसंती है दीपक तो ज्योति बसंती, बसंती है दीपक तो ज्योति बसंती, बसंती है दीपक तो ज्योति बसंती। केसर कलाकन मिठाई, केसर कलाकन मलाई बसंती, केसर कलाकन मलाई बसंती, केसर कलाकन मलाई बसंती, केसर कलाकन मलाई बसंती। पकवान पकवान सारे बने हैं बसंती, पकवान सारे बने हैं बसंती। जैसे केसर पेड़ा, केसर काजू कतली, बतीसा, सोन पापड़ी, बालूशाही, चंद्रकला, रोंगलता, ये सब बसंती कलर की होती हैं। ओके, पकवान सोनू वाले सारे बने हैं बसंती, बसंती मौसम बहारे बसंती है, मौसम बहारे बसंती। एक बार देखो, मेरा काम तो है, मैं तो बड़ा पेटकल हूं कि भजनों के अंदर वो सीन भी आना चाहिए। हम इसको YouTube पर लाइव करते क्यों करते हैं, क्यों जो इस उत्सव में नहीं आते। रुको भैया, ताली भाई बजाओ जहां जरूर। तो आज अभी बाबा का दर्शन कराएंगे, घर बैठे लोग ज्योत का दर्शन करेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। तो अब जो वहां खड़े हैं लोग, मैंने सतीश जी को तो कहा, तो आइए बात। हाँ, ये अभी बंद कर दो सुरेश, एक दो मिनट के लिए बंद कर दो दर्शन को, माने हाँ हाँ बेटा, पूरे बाबा का दरबार को लोगों, फिर भक्तों को लेना। भक्तों पे छाई है मस्ती बसंती, भक्तों पे छाई है मस्ती बसंती, फिर भक्तों पे छाई है मस्ती बसंती, भक्तों पे छाई है मस्ती। देखो जिन पर जिन पर ये बसंती मस्ती छाई है, वो हाथ उठा के ताली बजा के, अरे भक्तों पे छाई है मस्ती बसंती, भक्तों पे छाई है मस्ती बसंती, भजनों की गंगा की लहरें बसंती, भजनों की गंगा की लहरें बसंती। ध्यान से सुनो, भजनों की, भजनों की गंगा की लहरें बसंती, भजनों की गंगा की लहरें बसंती। नंदू बने, देखो ये एक ऐसा भजन है जिसमें एक ही शब्द में दो अर्थ आ गए। नंदू बने श्याम प्रेमी बसंती, नंदू बने श्याम प्रेमी बसंती, बसंती है मौसम बहारे बसंती, बसंती है मौसम बहारे बसंती, बसंती बहारे बसंती। Yeah.
राम प्यारे की जय। एक गुजराती लोकगीत है, ठीक है, गुजराती लोकगीत। ये भजन बहुत कम गाता हूं मैं, आप सुनिएगा कि भगवान ने क्या कहा। अरे वाह वाह, आजाद हुआ, बिल्कुल 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 सही, वाह। सुनिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, गाऊं बोलो, बट इट इज डिफिकल्ट। और मैं ऐसा ही सच सुन के लाता हूं कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, दिमाग भी, दिल और दिमाग दोनों की जरूरत है, दिल की और, जोर से बोलो तभी तो मजा आएगा। यस, हे कीर्तन में रघुवर आते, कीर्तन में गिरधर आते, कोई लाख चाहे रोके, हमने बुलाया, सुनो, हमने बुलाया, बाबा तैयार हो गए, कोई रोकना भी चाहे तो भगवान उसके रोकने की परवाह नहीं करते हैं। कोई अशोक जी, अशोक जी श्याम बहादुर बाबा के परम अनन्य भक्त, भक्त शिरोमणि हमारे बाबा के संदर्भ में, श्याम बहादुर जी महाराज उनके परपौत्र माने पौत्र के पुत्र अशोक श्याम बहादुर जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखो आज सब, जब से हनुमान जी का भजन गाया हूं, एक एक करके बाबा के अन्य अन्य प्रेमी आते जा रहे हैं, और क्या चाहिए। भक्तों के साथ में अशोक जी, भक्तों के साथ में बाबा का दरबार अनोखा लगता है। खाली भगवान हो और भक्त ना हो तो भी मजा नहीं है, तो भक्तों के साथ में ठाकुर का दरबार अनोखा लगता है। अगर मिलती रहे दोनों की मेहर, संसार सुनहरा लगता है। ठाकुर की कृपा के लिए अगर राम की आवश्यकता कृपा की, तो वही हनुमान जी की कृपा की भी आवश्यकता है। कीर्तन में रघुवर आते, कीर्तन में रघुवर आते, कीर्तन में गिरधर आते, कीर्तन में गिरधर आते, में रघुवर आते, कीर्तन में रघुवर आते, कीर्तन में गिरधर आते, कीर्तन में गिरधर आते, कोई लोग चाहे रोके, कोई लोग चाहे रोके, भगवान रुकना वादे, साची बात है प्यारे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा,
कौन कह रहे हैं? जोर से बोलो, हमारे ग्रंथ क्या? ना हम वसामी बैकुंठे, भगवान विष्णु बोल रहे हैं नारद को, ना हम वसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चाओ, मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामी नारद। ये तो साची बात है प्यारे, शक नहीं करना प्यारे, शक नहीं करना प्यारे, शक नहीं करना। एक एक लाइन सुनो। ये तो साची बात है प्यारे, शक नहीं करना प्यारे, शक नहीं करना प्यारे, शक नहीं करना। खुद प्रभु ने इकरार किया फिर कैसा शक करना प्यारे, कैसा शक करना हो प्यारे, कैसा शक करना। नारायण के मुख से निकला, 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 ये फिर भी क्यों भरमाते हैं। अब सुनो, कई शंकाओं का समाधान है इस भजन में, अगर सुनेगे तो आप जानो, न सुनो हरद्वार की पौड़ी पर बैठ जाओ, गंगा बह रही है देखते रहो, देखते देखते वापस आ जाओ, गंगा को क्या फर्क पड़ेगा? तुम नहीं नहाओगे क्या वो प्रवाह बंद कर देगी? वो तो बहेगी, वैसे प्रवाह है। तुम डुबकी लगाओ वाबा, डुबकी न लगाओ और भी वाबा। फिर एक बार, ये हम अपने लिए करते हैं, किसी पर एहसान नहीं करते। नेम धेम ठाकुर को रिझाने की तीन पद्धति, और ठाकुर के दर्शनों की भी तीन पद्धति। भले मैं इसकी बात कर लूं, पर किसी एक भजन में इसकी भी चर्चा करूंगा कि तीन दर्शन कैसे होते हैं। और मैं जो भी बात कहता हूं प्रेमियों, जो मैं अध्ययन करता हूं उसके आधार पे, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो है वो संतों की वाणी है, जो मैं पढ़ के बिलोता हूं। अब मक्खन जब निकलता है तो मैं मेरे प्रेमियों को बांटने निकल पड़ता हूं। नेम धेम, नेम धेम और पूजा अर्चन, एक तो नियम, एक पूरा टाइम टेबल, नियम और धेम, ध्यान, रूल्स एंड रेगुलेशन। नेम धेम और पूजा अर्चन नारायण का भावे, पर नारायण को भावे भाई, नारायण को भावे। चार चीज सुनो, नेम धेम पूजा अर्चन। प्रश्न कुछ किया विद्वानों ने, इनमें से किसको चुने? उत्तर है, सबसे ऊंचा प्रेम का रिश्ता। विदुरानी के घर छिलके खाइए, कौन सा नियम था उसमें? सबरी के झूठे बेर खाए, कौन सा नियम था? कोई नियम नहीं था। सबसे ऊंचा प्रेम का रिश्ता नारायण मिल जावे, नारायण मिल जावे, प्यारे नारायण मिल जावे। भटक रहे तुम किन गलियों में, 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 क्यों ना प्रेम बढ़ाते आते। और ये तो
मंडल का नाम ही है, और दो दो विशेष नाम है, श्री श्याम प्रेम मित्र मंडल। मित्र भी है और प्रेम भी है। तो सुनो, मित्र और प्रेमी दोनों की चर्चा। नेमी और प्रेमी दोनों का ठाकुर को क्या पसंद है, प्रश्न उठेगा ना। नेमी और प्रेमी दोनों का सांवरे से बंधन, प्यारे सांवरे से बंधन, प्यारे सांवरे से बंधन। नेम करो या प्रेम बढ़ा लो, रंग लो अपना तन मन, प्यारे रंग लो अपना तन मन, प्यारे रंग लो अपना तन मन। अपने हृदय के द्वार पे पगले, अपने हृदय के द्वार पे पगले, अपने हृदय के द्वार पे पगले, अपने हृदय के द्वार पे पगले। अरे क्यों पहरे पिथलाते, कीर्तन कर ले श्याम प्रभु का, पीले नाम पियाला, प्यारे पीले नाम पियाला, प्यारे पीले श्याम पियाला। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, खोल हृदय का ताला, प्यारे खोले हृदय का ताला, प्यारे खोले हृदय का ताला। तीन प्रकार के दर्शन, इस पर भी भजन है, लेकिन पहले ये सुन लो। कीर्तन कर ले श्याम प्रभु का, पीले नाम पियाला, ऐसी मस्ती कहां मिलेगी, खोल हृदय का ताला। नंदु मिल जाए हरि दर्शन, नंदु मिल जाए हरि दर्शन, नंदु मिल जाए हरि दर्शन, नंदु मिल जाए हरि दर्शन। अरे फिर क्यों देर लगा दे, बोलो साचे दरबार। हाँ भैया कमाल, पांच करो। सुनो, दो तीन भजन और गाऊंगा, दो तीन गाऊंगा कि पांच गाऊंगा तो बाबा जाने, हमारे पास तो क्या है। लेकिन एक भजन मन में आ गया आज, अभी मध्य प्रदेश मैंने चार कीर्तन किए, जो वहां का हाल देखा। हरियाणा में दो चार कीर्तन किए, तो ये भजन गुणगान यात्रा में बना था 2001 में। आज मैं गा रहा हूं उस भजन को, गांव गांव नहीं, सब देखे गांव गांव देखा नहीं, ढंग को बाज उठियो धमाल। हे बस इसके बाद मस्ती में चलते हैं। मैं जबरदस्ती करके दो तीन भजन गाता हूं मैं, क्या करूं। ओ पहले ये गा देते हैं, गा देंगे इसको। सुनो, 2001 में ये भजन बना, जब श्री श्याम गुणगान यात्रा, जैसा सतीश ने आपको बताया, 38,000 किलोमीटर की यात्रा भारत और नेपाल की, बाबा के प्रचार के लिए। अब कॉपी में तो लिख देता हूं तारीख क्या है, कौन सी जगह है, अब किताब में तो लिखा नहीं होता है ये, लेकिन ये मालूम है कि 2001 गुणगान यात्रा में ये लिखा गया था। सुनो, आहा,
देखो सुनो, तुम लोग को नाचने का मन हो, बैठे बैठे नाचना, खड़े होके नाचना, क्योंकि आज तो एक तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, एक मां शारदे की पूजा के दिन के पहले दिन, और एक आज हमारे बाबा का कल जो श्रृंगार होगा उसकी मस्ती। ये डंको बाज उठ्यो अनिल, बड़े ध्यान से सुनना इसको, सब लोग सुनना, देखो सब कुछ आज हो रहा है। डंको बाज उठ्यो दुनिया में देखो खाटू वाले को, डंको बाज उठ्यो डंको बाज उठ्यो दुनिया में देखो खाटू वाले को, डंको बाज उठ्यो ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ तो जासी नाम श्याम को बढ़ सी जी, ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ तो जासी नाम श्याम तो बढ़ सी जी, ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ तो जासी। अब सुनो, कली को आयु कितनी है? 4,26,000 वर्ष। अब कलयुग के चार चरण हैं, चार जैसे चौकी के होते ना, तो एक चरण की आयु कितनी हुई कौन बताएगा? बताओ, बस 1,65,000 वर्ष। गुणा करो, 4×26 हो जाएगा। मैंने जो पूछा दैट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट माई डियर आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन प्रॉपरली। पहला चरण, और अभी तो सिर्फ 5,500 वर्ष हुए, 1,01,000 वर्ष तो खाली प्रथम चरण में बाकी है। तब तो ये स्थिति है, हम तो पूरे कलयुग की बात कर रहे हैं। ज्यो ज्यो कलयुग बढ़ तो जासी नाम श्याम को बढ़ सोई, ज्यो ज्यो कलयुग बढ़ तो जासी नाम श्याम को बढ़ सी जी। साचो रक्षक क्यों, इसका कारण क्या है? साचो रख, बाबा ने कहा, श्री कृष्ण ने, मालूम है क्या शब्द लिखा हुआ है? कलिकाल वंदिताऊ, एक ही शब्द पकड़ लो, कलिकाल, भगवान स्कंद पुराण में कलिकाल वंदिताऊ ये शब्द है, कल इनकी प्रार्थना में स्कंद पुराण में। साचो रक्षक पावो, हम कहते हैं ना सच्चा दरबार है लखदाता रहे, साचो रक्षक पावो किसका किसके लिए, साचो रक्षक पावो
दर पर आने वाले को ढंको सुनो, रोज जमेगा कीर्तन इनका, रोज ही भोग पड़ेगा जी, रोज जमेगा कीर्तन इनका, रोज ही भोग पड़ेगा जी। अब बताओ, पूरे हिंदुस्तान को देखो, खाली हरियाणा हरियाणा में आपको मालूम है महीने में कीर्तन कीर्तन लोगों ने बताया 300 कीर्तन होते महीने में। इतना बड़ा हरियाणा, 10 कीर्तन, एक 10 का एवरेज, तो बड़ी बात है। 300 कीर्तन हरियाणा में। भारत की सोचो तो, अरे रोज जमेगा कीर्तन इनका, रोज ही भोग बनेगा जी, रोज जमेगा कीर्तन इनका, रोज ही भोग बनेगा जी। भली करे गो बाबो, भली करे गो बाबो, सेवा करने वाले को डंको बाजो, डंको बाजो उठो। सेवा का नाम क्यों आया इस भजन में? जान लिया मेरा श्याम कहां पर रहता है, जान लिया मेरा श्याम कहां पर रहता है, हो सेवा गुणगान श्याम वही रहता है। जहां सेवा हो, जहां गुणगान हो। और सुनो, गांव गांव अनिल, गांव गांव और शहर शहर में मंदिर इनका बन सी जी, गांव गांव और शहर शहर में मंदिर इनका बन सी जी। 2001, आज क्या हो रहा बताओ? 23 वही हो रहा है ना, हर गांव में मंदिर बन रहा है। पहले बाबा की छवि ले जाने में लोग डरते थे, कृष्ण की छवि ले आते थे। या आज के 50 साल पहले खाटू में स्केच की हुई तस्वीर मिलती थी, स्केच लाइन से खींची हुई, किसी ने जो आप पेंसिल से बनाते हैं ना, वो ही फोटो मिलती थी। हमारे भी जो घर में रखी हुई है, मेरी मां के हाथ की, जो अहमदाबाद में है, हम उसी के आगे जोत लेते हैं आज भी, इतनी बड़ी है, नौ कलरफुल, बड़े ध्यान से देखते तो पता लगता है ये ठाकुर का नाक है, ये ठाकुर की आंखें, पता नहीं कितने साल पुरानी है, मां लेके आई थी, सोचो तो। और तब से पूरी मर्यादा के साथ सेवा होती आई, उसी का फल है कि ये नंदू आज इसकी सेवा में है। जान लिया मेरा श्याम कहां पर रहता है। तो हम तो बेटा बचपन से मेरे बाबा की सेवा, हम इसके साथ मजाक नहीं कर सकते ना, मजाक करके तुम्हारा और अपना बिगाड़ू, उनमें से मैं नहीं हूं। हम तो करेंगे तो बाबा की बात करेंगे, दूसरी और कोई बात नहीं करेंगे। बातें करूं तो करूं मैं तुम्हारी, बातें करूं तो, अरे गांव गांव और शहर शहर में मंदिर इनका पण सी जी, गांव गांव और शहर शहर में मंदिर इनका पण सी जी। सुनो, अभी तो कुछ नहीं है, हम और आप नहीं रहेंगे, हो सकता है आने वाली पीढ़ी साक्षी बनेगी इन लाइनों की। नाम जपेगी दुनिया, भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, अरब कंट्री नहीं,
नाम जपेगी दुनिया सारी, द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स। एक दिन आएगा जब आज 21 साल के अंदर यहां हम पहुंचे हैं तो एक दिन यहां भी पहुंचेंगे। ये जो लिखवाया है मेरे सरकार ने इशारा ही तो किया है, गांव गांव और शहर शहर में मंदिर इनका बन सीधी, गांव गांव और शहर शहर में मंदिर इनका बन सीधी। नाम जपेगी दुनिया सारी, नाम जपेगी दुनिया सारी, अरे नाम जपेगी दुनिया सारी, किसका? और खाटू वाले को प्रेमियों, यूट्यूब के अलावा जैसा मेरी जानकारी में आया कि संस्कार के यूट्यूब पर भी ये आज का कार्यक्रम आ रहा है, तो मैं आपके अलावा जो भी भक्त विज्ञान के माध्यम से इसको देखें, आज देखें कल देखें, इन तीन लाइन को सुन लेना, बड़े भागी है, हम भाग्यशाली हैं जो हमको बाबा की चौखट मिली। और ये कलयुग का देव है, कलयुग का अवतार नहीं है ये, कलयुग के अवतार में तो लाखों वर्ष बाकी है। ये भी चीज समझनी पड़ेगी हमको कि देव में और अवतार में अंतर क्या है। ये कलयुग का देव है, बड़े भागी है लोग श्याम की शरण जिन्हें मिल जावे जी, बड़े भागी है लोग श्याम की शरण जिन्हें मिल जावे जी। इनकी शरण इनकी कृपा के बिना नहीं मिल सकती, हम चाहे कि हमको मिल जाए, नो नेवर, जिन पे ये कृपा करेंगे उनको ही शरण मिलेगी, लेकिन वो बड़ भागी हैं, बड़ भागी है लोग श्याम की शरण जिन्हें मिल जावे जी, बड़ भागी है लोग श्याम की शरण जिन्हें मिल जावे जी। और मुझे तो मिल गई तो मैं क्या कहूंगा, नंदू दीवानो बन गयो दिलियो, नंदू दीवानो बन गयो दिलियो। बोलो बोलो, जिनको शरण मिली उनका दीवाना हुआ कि नहीं? नंदू दीवानो बन गयो दिलियो, नंदू दीवानो बन गयो दिलियो। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसका दिल दीवाना बन गया मेरे श्याम का, ना, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। नंदू दीवानो बन गयो दिलियो, अरे खाटू वाले को मन में आ गया। और सुरेश ने कहा, भैया जी इसको पूरा गाना, आजकल आप धमाल में दो लाइन गा के और उसमें मिक्स कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको बीच में गा दूंगा, जो धमाल अंत में होती है और उसी में मस्ती में। आइए, तुम ही श्याम अपने सगरे पर आए, ये डंका क्यों बज रहा है, कारण क्या है उसका? Thank you.
आपका सुना हुआ भजन है, लेकिन आज बहुत दिन हो गया मुझे गाए हुए। आपको बता दूं, मैं भी तो मेरी बैटरी चार्ज करता हूं ना। आप क्या समझते हैं मेरी झोली भरी हुई है? नहीं, आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं भी उसी स्टेटस में हूं जिस पर आप हो। बस ये है कि मुझे भूख लगती है तो मैं इनकी तरफ देखता हूं, इधर उधर नहीं भटकता, बस और कुछ नहीं। श्याम अपने सगरे पर आए, तुम्हें श्याम अपने सगरे पर आए। अच्छा, जिनको जिनको श्याम अपने लगते हो, कितनी बार बोलो, शर्म आने लगती है बोलते बोलते। मुझे मालूम है कि हम क्या कमा रहे हैं और क्या खो रहे हैं। उठावा हाथ, तुम्हें श्याम अपने सगरे पर आए, तुम्हें श्याम अपने सगरे पर आए, कामे पर आतो तुम्हें कामे आए, तुम्हें श्याम अपने सगरे पर आए, तुम्हें श्याम अपने सगरे पर आए, कामे पर आतो तुम्हें कामे आए, कामे पर आतो तुम्हें कामे आए। भागे चुरैन भागे, भागे चुरैन भागे सूरज उगाए, भागे चुरैन भागे सूरज उगाए, कामे पर आतो तुम्हें काम आए, कभी ना
बाबा ने क्या किया, बाबा ने हमारे आचरण नहीं देखे, फिर भी पुकार सुन, भूल जाते हैं हम ही प्रभु को, भूल जाते हैं हम ही प्रभु को, प्रभु ने तो हमें ना बिसारा, इसी आदत के चलते सवरिया तू लगता है भक्तों को प्यारा, फिर भी पुकार सुन तुम भागे आए, फिर भी पुकार सुन तुम चौड़े आए, पावे पड़ा तो तुम्हें काम आए, पावे पड़ा तो तुम्हें काम आए। प्रेमियों, ऐसे चाटुकार लोग अगर आपसे दूर हो जाएं, नाराज मत होना किसी से, थैंक्स बोलना। मैं भजन एक गाता नहीं हूं, एक ही बार नोएडा में गाया था कि मारी आंखें खुली है अभी, याद कर जो कभी तो हमें, अब मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, फिर कभी गाएंगे इसको, लेकिन नहीं गाता हूं। अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, अपने पराए को मैं जान पाया, अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, अपने पराए को मैं जान पाया, टूटा भ्रम, टूटा भ्रम, चलो गंगा नहाए, टूटा भ्रम चलो गंगा नहाए, काम परा तो तुम्हें काम आए, काम परा तो तुम्हें काम आए। अनमोल है तेरी दया के फसाने, अजब है दीवाने, अनमोल है तेरी दया के फसाने, तू है अजब तेरे अजब है दीवाने। हे नारायण कृपा करना, न तू हो तेरा दरबार हो, तेरे तेरे दीवाने हो, नंदू दीवानों के संग, नंदू दीवानों संग अलख जगाए, नंदू दीवानों के संग अलख जगाए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, तुम्हें शाम सगरे पड़ाए, तुम्हें शाम सगरे पड़ाए, तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम बोलो श्याम प्यारे। बस एक ये भजन है।
और मैं घड़ी देखता जाता हूं, उसके बाद एक हो भजन, उसके बाद विदा। बैठिए। हे जिसको पहले तो लिस्ट मांगते थे, अब तो वो भी नहीं मांगते, फुर्सती नहीं। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा आगे गाओ मझधार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जा बैठ जा बेटा। यस, मैं खुश हुआ हूं, यही होना चाहिए। किसकी परवाह मत करो ना, सुनो सुनो, दुनिया से न कोई आस करो, बस आस करो एक गिरधर के, सबका दाता परमेश्वर है, सगरी माया परमेश्वर के। दुनिया से जिसको तेरा भरोसा, देखो आगे आ जाओ, जिनको भजन सुनना है वो दूर बैठो, और जिनको भजन करना है वो ठाकुर के नजदीक आओ। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार भी गिनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार भी गिनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तूफान हो या आंधी उनको तो राह मिलती, तूफान हो या आंधी उनको राह मिलती। हाजिर हुआ तू हर पल, हाजिर हुआ तू हर पल, भक्तों ने जब पुकारा, हाजिर हुआ तू हर पल, भक्तों ने जब पुकारा। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन पुकार पुकार में फर्क है। हो मेरी सुन कर करुण पुकार, सांबरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार, सांबरा आएगा। अरे मुझे भी वो तो नियंता है, जगत नियंता, एक मामूली इंसान को भी तुम सलीके से न बुलाओ, वो तुम्हारे तरफ देखेगा भी नहीं, चाहे तुम कुछ भी हो। मेरी सुन कर करुण पुकार, सांबरा, मेरी सुन कर करुण पुकार, सांबरा आएगा, आएगा श्याम आएगा, आएगा श्याम।
मुझे पूरा मुझे पूरा है विश्वास सावेरा आएगा मुझे पूरा है विश्वास सावेरा आएगा झूठे मीत सखा और नाते 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 दर्द दिल का हाँ ये सहयोग करेंगे किसमें दर्द दिल का दर्द बढ़ाते दर्द दिल का दर्द बढ़ाते लेकिन ये तुझे करने हम करने सच्चा प्यार सावरा आएगा मुझे करने सच्चा प्यार सावरा आएगा जिसको तेरा भरोसा जिसको तेरा सहारा जिसको तेरा भरोसा जिसको तेरा सहारा मझधार क्या करेगा मझधार भी किनारा मझधार क्या करेगा मझधार भी किनारा ही नहीं मझधार ही बोल दिया तो हमने तो मझधार मांग लिया अब भी मतलब ठाकुर का दिया हुआ लेकिन वो भी हमारे लिए किनारा होगा जमीन आसमान का अंतर भी और ही में मझधार क्या करेगा मझधार भी किनारा मझधार क्या करेगा मझधार भी किनारा वो कहते अरे वो क्या वो तो अपना प्रेमी है वही अरे वही तो अपना प्रेमी है ही माने ओहो अरे नहीं जिसको तेरा भरोसा जिसको तेरा सहारा जिसको तेरा सहारा होठों पे नाम तेरा दिल में उमंग तेरी होठों पे नाम तेरा दिल में उमंग तेरी हाथ हाथ उठाओ सुनो ऐसे अलमस्त सा रहूं मैं छाई तरंग तेरी मस्त सारू मैं छाई तरंग तेरी होठों पे नाम तेरा दिल में उमंग तेरी होठों पे नाम तेरा दिल में उमंग तेरी अलमस्त सारू मैं देखो वृंदावन में अब वृंदावन ही नहीं राजस्थान में भी पुराने लोगों से पूछना पुरुषोत्तम जी बैठे वसंत पंचमी से ही रंग का सिलसिला शुरू हो जाता है तो एक चीज बताओ रंगों का मौसम है ना तो रंगों के मौसम में तरंग नहीं होगी रंगों के मौसम में उमंग नहीं होगी बोल रहे ना अलमस्त सुर छाई तरंग दे अलमस्त सुर छाई तरंग दे सुनो
समझता हूं मैं, मुझे विश्वास है कि मैं क्या चिंता करूं, मेरे से पहले मेरे बाबा को चिंता है मेरी। रोशन है काली रातें, ये काली रातें किसको डराएगी, प्रेमी को नहीं डरा सकती, उसमें भी रोशनी है। रोशन है काली रातें, पाके प्रभु का उजाला, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा उजाला। मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा, किसको तेरा भरोसा, किसको तेरा सहारा, किसको तेरा भरोसा, प्रभु हाथ जिसका पकड़े। इसके बाद मैं होली का भजन गाऊंगा, संजय आएगा मेरे बाद, मेरा बच्चा संजय पारिक, ओके। प्रभु हाथ जिसका पकड़े, कभी छूटने न रे, प्रभु हाथ जिसका पकड़े, कभी छूटने न रे। सुनो, इसका कैसे पता लगा और कब पता लगा, कौन बता सकता है इस बात का प्रमाण हमको कब मिला, हाथ उठा के बताओ। नौ ताली, अभी नहीं, अभी ताली नहीं, सेतु बंधु बन रहा था, राम लिख कर पत्थर डाल रहे थे, सब तैर रहे थे, राम ने देखा यार मैं भी कुछ मदद कर दूं, राम ने भी एक पत्थर उठाया डाला, डूब गया। राम ने देखा, कोई देखा तो नहीं, देखा हनुमान देख रहा, हनुमान क्या देखा, कुछ नहीं सरकार, सच्ची सच्ची बताओ हनुमान तुमने क्या देखा, सरकार कुछ नहीं, हनुमान ऐसे बताओ ऐसा क्यों। हनुमान ने जवाब दिया, सेवक तो हमेशा अपने स्वामी की महिमा गाता है। सेवक ने जवाब दिया, प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही, हे प्रभु हाथ जिसका पकड़े, कभी छूटने न दे, प्रभु हाथ जिसका पकड़े, कभी छूटने न दे, अपने गले लगा कर हर जख्म को भर दे, अपने गले लगा कर हर जख्म को है भर दे। नंदो दयालु मोहन, नंदो दयालु मोहन, भक्तों का है रुखाड़ा, नंदो दयालु मोहन, भक्तों का है रुखाड़ा। जब तक इस इनका हाथ हमारे सर पे है तब तक कभी कोई चिंता की बात नहीं, किसी भय की बात नहीं। जिनके सिर पर श्याम प्यारे की दया का हाथ है, आगे बोलो, हर घड़ी हर पल का सांवरिया के साथ है। देख ले कर सक तुम्हें तो अपने पल के खोल के, श्याम के प्यारे मिलेंगे मस्तियों में झूमते, हर तरफ खुशियां गईनगे, हर तरफ खुशियां गईनगे, फूलों की बर
हर साथ है, हर घड़ी हर पल सांवरिया रहता उनके। नंदो दयालु मोहन भक्तों का है रुखारा, नंदो दयालु मोहन भक्तों का है रुखारा। एक मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा। एक बात करो, तीन बार बोलो इस लाइन को, उठाओ हार अपने मन से। मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जाहो जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। देखे जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा सहारा। प्रेमियों जब तक आयो फाग उड़न रंग लग गया, आइए एक राजस्थान का लोकगीत है आयो फाग उड़न रंग लग गया। चूंकि कल से फागुन शुरू हो रहा है तो मैं उसको गा के अपनी सेवा पूरी करूंगा। और एक ऐप है मेरा जो हमारे सुरेश जी ने बनाया, एंड्रॉइड में भी है और प्ले स्टोर में भी है, एंड्रॉइड में भी है और ऐप स्टोर में भी है, जिसके बाद वो एप्पल है ना उसमें भी है, और जिसके बाद एंड्रॉइड है वो उसमें भी है। तो मेरे सारे प्रोग्राम, जैसे कल 6:45 की फ्लाइट से हम चले जाएंगे रायपुर, वहां से धमतरी, 11 बजे का हवन है और 2 बजे की प्राण प्रतिष्ठा है बाबा की, 27 को वापस शाम तक, फिर दिल्ली, फिर 28 को तुम्हारे बीच। देखो जानते हो क्यों, ऐप का नाम नंदू भैया ऐप, नंदू भैया। मेरे को आता ही नहीं है सब यार, ये कहते आप प्रचार ही नहीं करते, मैं तो कोई लिखता भी नहीं, मेरा आज यहां कीर्तन, आज यहां कीर्तन, यहां क्यों लिखूं मैं। अरे जिसको पता करना होगा अपने करे, मुझे क्या जरूरत है बताने की, मैं यहां हूं यहां हूं। 28 को शालीमार बाग है भाई, आ जाना। देखो ठाकुर जी तुमको बोनस दे रहे हैं, बोनस ये सुन लो, ठाकुर जी प्रेमियों को बोनस दे रहे हैं। मैं 4 भजन भी आके गा दूं वो बहुत है, बोलो है कि नहीं, बोलो पहले बोलो, नहीं बोले सब नहीं बोले, 4 घंटा गाना है नहीं, ओके बोलो शाह आयो फा। देखो ये प्रेमी है, भैया जी आपके कीर्तन में आ रहे हैं लेकिन घड़ी देख के आए कि जब कीर्तन खत्म हो जाए तो जाए अब फोटो खींचा ले। ये देखो ये समय है आजकल का, ये कौन सा दुपट्टा उड़ा रहे हो, उड़ाओ जल्दी उड़ाओ, राधे राधे का नंदू हृदय कुंज में गूंज गूंज। अरे वाह भाई जो हो इतने भजन सुनना हो वो हाथ उठाओ और जोरदार ताली बजाओ। ये yeah!
प्रेमियों, खाटू से मेरे छोटे भाई जो बड़ा प्रेम स्नेह मेरे प्रति रखते हैं, पुरुषोत्तम जी शर्मा, प्रेमियों की इच्छा है आप दरबार में बैठे हैं लेकिन भक्तों के बीच में पधारे, जोरदार तालियों से स्वागत करना उनका, हाथ उठा के लंबे लंबे। आयो भागे उड़ने रंग लाजा, आयो भागे उड़ने रंग लाजा, आयो भागे उड़ने रंग लाजा, आयो भागे उड़ने रंग लाजा। आवो मारा मन बसिया खेला हो है गहरो माने टू मच, इतना रंग उड़ाएंगे इतना रंग उड़ाएंगे। अब आगे बोलेंगे कैसा लगेगा वो गहरो, दोनों अर्थ हो गए ना, एक शब्द है लेकिन अर्थ दो है। गहरो रंग गुलाल उड़ास्या, गहरो रंग गुलाल उड़ास्या। अब देखो मनोज कहाँ गया, मनोज रजनी जी को बुला पांच मिनट के लिए। ओह दुपट्टा कहाँ गया, अरे दुपट्टा कहाँ,
चलो किया। ठाकुर ने देखा कि जीव ने पूरा समर्पण कर दिया। भगवान यही तो कहते हैं, सर्वधर्म प्रत्यक्ष मां में कम शरणम प्रजा, तू मेरी शरण में आ जाए। चंग बजावा नाचा गावा, भगवान के प्रेम में एक कशिश है। कशिश बने जानते हो, एक खिंचाव है। एक बार सुन लेना तुम, पुरुषोत्तम जी है और हमारी बाई है, सिर्फ एक चीज हो बीच में प्रेम, भक्त भी प्रेम पर बिक जाता है और मेरा भगवान भी प्रेम के लिए बिक जाता है। प्रेम अगर हो तो न भक्त रुक सकता और न भगवान रुक सकता। प्रेम रसिक किसका रसिया है, बातें मत करो अभी,
ए फूल डालना डालो, बोलो मत, किसका दीवाना था गुरु, बोलो, प्रेम का, प्रेमियों का नहीं, प्रेम का, है ना? प्रेम रसिक बाबा, प्रेम रसिक घनश्याम दीवानो, प्रेम रसिक घनश्याम दीवानो, प्रेम रसिक घनश्याम दीवानो, प्रेम रसिक घनश्याम दीवानो। भाई सुनो सुनो प्रेमियों, भक्ता के भगवान का मन कहां लगता है? अकेले भक्तों में मन लगता है। भक्ता के संग बड़े मस्तानो, भक्ता के संग बड़े मस्तानो, सुनो झनकाए ये झनकाए 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 रहो पग पैजनिया, झनकाए रहो पग पैजनिया, बस आज के भजन की ये दो, इस भजन की दो लाइनें, इस भजन के पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। '89 कला भवन के सामने सावित्रीबाई निशान लेके आ रही थी फागुन के काशी, उसमें ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, बहुत ज्यादा। उनके कुछ प्रेमियों ने मेरे में सेवा मंडल में था, मुझे ले आए। देखो कुछ बातें सार्वजनिक नहीं होती करने की, उनका महत्व कम जाता है, या पता नहीं भाई को भी पसंद आए या बाबा को भी पसंद आए, नहीं आए। बस इतना मैं आपको कह दूं, मुझे बहुत आशीर्वाद मिला था। और ठीक कला भवन का संयोग की मैं तब परसों तुम जी को नहीं जानता था, मुझे यह भी मालूम नहीं कला लोग कौन है, न मैं कला भवन जानता था, और आज भी मैं तो आज ये बता दे खाटू के रहने वाले कि कभी 40 साल में मुझे कभी खाटू की सड़क पे देखा हो तो 40 साल हो गए हर एक से खाटू जाते हुए, सभी यही कह के हमने भैया को कभी देखा ही नहीं। किससे नजर मिलाऊं, विनोद जी एक बड़ा सुंदर पद गाते थे, विनोद जी अग्रवाल, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, जिसकी नजर इससे मिल गई मैं समझता हूं फिर कोई बचा ही नहीं जिससे नजर मिलाए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाए, आगे बोलो, नजरें मिला के शाम जगरा मुस्कुराइए। आज बबली भी मेरे साथ है और मयूर भी गा रहा है, बबली आ गया मेरा परम शिष्य, मैं दो चार लोग ये जिनको शिष्य कह के संबोधित करता हूं, एक तिल्लू जी आए हैं वो भी आ जाए,
वो भी मेरा प्रिय है, प्रिय शिष्यों में से है। अभी 3 दिन पहले वृंदावन था, वृंदावन में इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, 2 दिन से खूब रात भर बरसात होती है। कितना भी रजाई ओढ़ो, कितना करो, अवस्था भी है, लेकिन ठंड लग गई। और मैं कह रहा हूं आज, सुरेश बोल, प्रत्यक्ष प्रमाण है, देख लिया, देख, इसका बेटा बोलता है, बाबा आप कैसे कहोगे? मैं आपसे नोएडा से राजेश भार्गव का फोन आया, जवाब नहीं दे पाया मैं। मैंने कहा कुछ नहीं, बाबा के दरबार में जाएंगे और अपने आप गला खुल जाएगा। ये सही है, और एक बार नहीं, हजारों बार मैंने महसूस किया। क्यों? अवस्था हो गई, ऑर्गन्स ढीले हो गए, लेकिन एक बाबा है जो अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि हम तो ऐसे तेरे दीवाने हैं जिन्हें भाव भक्ति का ज्ञान नहीं, हम ऐसे तेरे दीवाने हैं जिन्हें भाव भक्ति का ज्ञान नहीं, हमें दर्शन तेरा हो कैसे, इन आंखों को पहचान नहीं। अब सुनो इस भजन की 3 लाइनें, अंतिम लाइनें। कल्पना करना भाई, इतना रंग बरसा, इतना रंग बरसा, ठाकुर के प्रेमियों ने इतना रंग बरसाया। अब ये समझ लो भक्त और कोई नहीं, महादेव थे। मान लो, कल्पना करो, महादेव पहुंच गए रास में, फागुन का समय, गोपियां ब्रज समस्त देवी देवता आकाश से रंग उड़ा रहे हैं, रंग डाल रहे, दिव्य रंग, ये रंग नहीं दिव्य रंग, इतना रंग डाला कि ये पता नहीं लगा महादेव किधर है, कन्हैया किधर है, दोनों एक दूसरे अनिल इधर आओ। एक बात है सुनो, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। एक तरफ से राम कहते हैं शिव द्रोही ममदास कहावा, वो नर मोहि सपने उ नहीं भावा, जो शिव का द्रोही है वो मुझे पसंद नहीं। और शिव देखो तो त्रेता में भी आए और द्वापर में भी आए, द्वापर में जादूगर बन के आ गए, ज्योतिषी बन के। अशेश्वर मंदिर है नंदगांव में, मेरे लाला को दिखाओ, नहीं दिखाऊंगी तो ये डर जाएगा। और उधर काग के भाग कहा तो ये जो हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, यही कीर्तन हो रहा है, सुन लो, इसी को कीर्तन कहते हैं, यही कीर्तन है, यही है कीर्तन। यहां नारायण समस्त देवी देवता आज यहां अदृश्य रूप में इसको सुन रहे हैं। रंग गए दोनों, अब देवी देवता देखते कि महादेव किधर है, कन्हैया किधर है। बाप जी बजा बेटा, आओ एकदम हल्का बजाओ। बंसी बाजी श्याम की, बंसी बाजी श्याम की तो गूंजी दिल्ली माई, ऐसा रंग बरसो नहीं कभी तीन लोक कहे माई। या भक्त और भगवान हो वही तो गोकुल है, वही तो नंदगांव है, वही तो बरसाना धाम है, और वही तो खाटू धाम है। या भक्त और भगवान दोनों है, सुनो
भगत रंगाओ, भगत रंगाओ। भगत रंगा भगवान रंगो है, भगत रंगा भगवान रंगो है, नंदू रंग सुरंग मचो है, नंदू रंग सुरंग मचो है। सुनो दोनों रंग गए एक गले मिल रहे, भक्त भगवान के गले और भगवान की बाहें भक्त के गले में, महादेव की बाहें कन्हैया के गले में, कन्हैया की बाहें महादेव के गले में। भक्त रंगा भगवान रंगो है, देखो इसमें कोई तर्क मत खोजना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ये क्या बोल दिया नंदू जी ने, मैं भाव की बात करता हूं और भाव भक्ति में भाव की प्रधानता है। क्या भोलेनाथ भक्त नहीं है भगवान के, स्वामी सखा सीएपी के, स्वामी सखा सीएपी, सीएपी के माने राम, राम सखा भी हैं स्वामी भी, इसलिए